हाय गाइस, वेलकम बैक माय डॉट मीडिया चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी ज़्यादा लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है चिन के ऊपर हेयर्स की। सो गाइस, कुछ लेडीज़ों के चिन के ऊपर हेयर्स ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि दूर से ही दिखाई देती है, बट कुछ लेडीज़ों के चिन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ लाइट होती है, सो दूर से दिखाई नहीं देती, पास से वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है। ये मैं बात करने वाले हैं चिन के हेयर्स को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम निकाल सकते हैं ताकि हमारा फेस एकदम क्लीन मिले। गाइस, चिन के हेयर्स रिमूव करने के लिए कुछ लोग वैक्स स्ट्रिप का भी यूज लेते हैं, जिनसे वो के हेयर्स या फिर अपने चिन के हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं। कुछ लोग हेयर रिमूव क्रीम से भी चिन के हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको तरीका बता रही हूँ थ्रेड का। आप थ्रेड की हेल्प से चिन के हेयर्स किस तरह से रिमूव कर क्लीन कर सकते हैं, लाइट हेयर्स हो या हैवी हेयर्स हो, किसी भी प्रकार के हेयर्स हो, लेकिन वीडियो में बताए गए तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके चिन के हेयर्स आप बहुत ही क्लीन कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट मैंने बहुत ही छोटा रखा है, 20 लाइक का इस वीडियो का टारगेट है, तो गाइस फटाफट इसे उस टारगेट तक पहुँचा देना। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिन के हेयर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम चिन के ऊपर टैल्कम पाउडर फैला लेते हैं, आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी फैला सकते हैं। इसके बाद हम एक फिंगर को राइट हैंड की तरफ रखते हुए यहाँ से स्ट्रेचिंग करते हैं, और जब स्ट्रेचिंग करने के बाद स्किन ऊपर से खींच जाती है तो थ्रेड की हेल्प से स्टार्ट करते हैं हम हेयर निकालना। सो आप देख सकते हैं हेयर्स हमें एक एक या दो दो करके ही निकालने हैं, ज़्यादा हेयर्स एकदम से नहीं निकाल लें क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है। तो बहुत ही स्मूथली धागा चलाते हुए यहाँ के हेयर्स हमें निकालने हैं। जब इस एरिया के हेयर्स यहाँ से कम्प्लीटली निकल जाते हैं तो हम ठीक यही तरीका हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट साइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड भी हमने एक फिंगर के हेल्प से स्ट्रेच कराया हुआ है, और ऊपर से जब स्किन खींच जाती है तो वहाँ से हम थ्रेड के हेल्प से हेयर्स निकालना स्टार्ट करते हैं, और हेयर्स हल्का धागा चलाते हुए हमें निकालना है। और यहाँ के हेयर्स भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, इस एरिया के हेयर्स अच्छे से कवर हो जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ के हेयर्स। उसके बाद हम यहाँ से जगह को चेंज करते हैं और अब हम बढ़ते हैं बीच वाली जगह, यानी कि मिडिल चिन के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पर हमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं रखनी है, डायरेक्ट हमें धागा चलाना है और धीरे धीरे करके हेयर्स हमें निकालने हैं। इसी तरह करके यहाँ पर जितने भी हेयर्स हैं वो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और जब क्लीन हेयर्स हो जाते हैं तो बस यही है आज की वीडियो का मेथड। आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कभी।